सो आप सभी देख सकते हैं कि मनीषा रानी फुकरा इंसान से हॉस्पिटल पे मिलने आई है। गाइज यार मनीषा रानी द बेस्ट यार। मनीषा रानी घर के अंदर भी वैसी थी और बाहर भी वैसी है और पहले भी वैसी थी और हमेशा ही शायद ऐसी ही रहेगी। गाइज यार देख रहे हो क्या प्यार है, मतलब गाइज यार दोस्ती का यार दोस्ती का रिकॉर्ड बना दिया ये लोग ने तो, मतलब जो होता है ना कि दोस्ती फ्रेंडशिप वो उसका रिकॉर्ड बना दिया तीनों ने मिलके। गाइज यार उसमें आशिका भाटिया भी थी मतलब शामिल, लेकिन गाइज यार आशिका भाटिया नॉमिनेट होके गाइजर बाहर आ गई थी, बट आशिका भाटिया भी सही थी ये लोग के साथ। एंड गाइजर तीनों ने तो क्या मजे से रहा, और फुकरा इंसान और मनीषा रानी तो पहले से ही था। गाइजर इन दोनों का बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा है, आप सभी जैसे कि देख पा रहे हो। गाइजर यहाँ तक के मिलने आ गई और काफ़ी मजा आता है यार देखने में। अगर मनीषा रानी ना होती ना बिग बॉस में तो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत होता देखना बिग बॉस OTT। एंड गाइजर मनीषा रानी की वजह से चलमला रहा था जो होता है ना, वो मतलब दिल को सुकून मिल रहा था, क्योंकि गाइजर एक लड़की ना होना फिर से ही तो मज़ा नहीं आएगा ना। और गाइजर ये लोग ने वैसा बॉन्डिंग बना के रखा। आप सभी का क्या कहना है इस चीज़ में, आप सभी क्या सोचते हो? अगर आप सभी बिग बॉस देखते थे, बिग बॉस को फॉलो करते थे, बिग बॉस OTT2 को, तो गाइजर आप सभी को क्या लगता है कि मनीषा रानी और फुकरा इंसान का फ्रेंडशिप कैसा है? एंड उसमें LVC यादव भी थे, आशिका भाटिया भी थे, गाइजर चारों का बॉन्डिंग अच्छा था, लेकिन गाइज मनीषा रानी और फुकरा इंसान है ये जो है ना इसका अद्भुत ही था गाइज, कुछ अलग लेवल का। सो आप सभी को क्या लगता है गाइजर इन दोनों की दोस्ती में? आप सभी कॉमेंट्स में अपना राय देख सकते हैं। गाइजर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।